फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि यह एसिड क्या होता है? क्या आप जानते हो कि एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्या आप जानते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में कैसे पता करें कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है? क्या आप जानते हो कि एसिड की और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो हमें नहीं पता? क्या आप जानते हो कि एसिड की कितनी सारी डेफिनेशंस या परिभाषाएँ होती है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद हेमंत राठौर। आज हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और एसिड के बारे में पढ़ने से पहले हमें एसिड की डेफिनेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड की कुछ डेफिनेशंस पर। अब इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है, ये जनरल डेफिनेशन है। एंड एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस, यूजुअली अ लिक्विड विच कंटेन्स हाइड्रोजन। एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है या ऐसा एक लिक्विड होता है जो हाइड्रोजन कंटेन करता है एंड कैन रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म सॉल्ट, और अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट फॉर्म करता है। सम एसिड्स बर्न और डिजॉल्व अदर सब्सटेंसेस दैट दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ। कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसे बर्न कर देते हैं या जला देते हैं, ओके, या फिर उससे रिएक्शन करके उसे डिजॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट व्हेन एडेड टू वाटर इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ओके। मतलब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब हम उसे वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल HCl आप देख सकते हैं, जब HCl डिसोसिएट होता है, जब आप HCl को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो H+ आयन और Cl- आयन बनाता है, मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, ओके। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। एंड नेक्स्ट वन थर्ड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी या अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ स्पीसीज दैट डोनेट अ प्रोटॉन टू बेस। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है, ओके। तो एसिड एक ऐसी स्पीसीज होती है जो किसी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस को या किसी बेस को प्रोटॉन प्रोवाइड करे। सो दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। So now we'll see our next topic, that is classification of acid on the basis of strength. First, strong acid. The acids which undergo complete ionization in aqueous solution, it produce high concentration of hydrogen ions. Okay, so we can say that strong acids are those acids which can be completely dissociate into its ions. For example, HCl, H2SO4, okay. So if you see here, HCl will be completely dissociate into H+ ion and Cl- ion. Is it clear? 100% dissociation, okay. So it is called strong acid. And next one is weak acid. The acids which undergo a partial ionization in aqueous solution, okay, means when you add this acids or this type of acid in water, then what will happen? It will show partially ionization. हम कह सकते हैं कि इनका जो ionization होगा या आयन में जो divide होने की जो capacity रहेगी वो कम रहेगी, is it clear? या completely ionize नहीं हो पाएंगे। It produce less hydrogen ions. ये क्या करते हैं? Less number of hydrogen ion produce करते हैं, इसलिए ये weak acid होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH या एसिटिक एसिड, ओके। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ओके,
a solution that has high percentage of acid and low percentage of water. For example, 80% HCl. 80% HCl का मतलब क्या होगा? जैसे हमने बात की 80% HCl की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 80 ml HCl होगा एंड 20 ml वाटर होगा. इज इट क्लियर? मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है. इज इट क्लियर? तो इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को या इस तरह के एसिड को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ओके, एक होता है डाइल्यूट एसिड, अ सॉल्यूशन दैट हैज लो परसेंटेज ऑफ एसिड एंड हाई परसेंटेज ऑफ वाटर. मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन या वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, दैट टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड व्हाट? डाइल्यूट एसिड. इसके केस में क्या होगा? ये ठीक उल्टा हो जाएगा. 80 ml H2O हो जाएगा और 20 ml HCl हो जाएगा. ओके, 20 ml HCl हो जाएगा और 80 ml H2O हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. ओके, सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट. नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. फर्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड को ऐड करते हैं या ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो लिटमस का कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है. थर्ड वन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस. आयंस के प्रेजेंस के कारण क्या होता है? जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करता है. ओके, फोर्थ वन, एसिड रिएक्ट्स विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस. एसिड जो रहता है वो कुछ मेटल से रिएक्ट करता है और मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. इसके लिए एक सबसे जनरल इक्वेशन है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ये जनरल इक्वेशन है. इज इट क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ आप लिख सकते हो जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है. यहाँ एग्जांपल आप लिख सकते हो, Zn plus 2HCl gives us ZnCl2 plus H2. इसका नाम क्या है? जिंक 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और साथ में क्या बनाएगा? रिएक्शन करने के बाद जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ओके, अब इसमें फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो साथ में सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. इसके लिए जनरल इक्वेशन देखते हैं, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इज इट क्लियर? यहाँ मेटल कार्बोनेट आना चाहिए, मैंने मेटल कह दिया, कोई बात नहीं. मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट. ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 प्लस 2HCl, ये हमको देगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2. इज इट क्लियर? जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई थी. ओके, केमिकल रिएक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्रोडक्ट होता है. ओके, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट का भी या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का भी. ओके, एक नेक्स्ट है बी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो इसके साथ भी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे. इज इट क्लियर? याद रखना है आपको, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी आपके पास ऐसे कोई रिएक्शन आ जाए, ठीक है, या इनकम्प्लीट रिएक्शन आ जाए, कोई सा कार्बोनेट आ जाए मेटल का या हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए और उसके साथ अगर कोई एसिड आ जाए तो आपको बिल्कुल श्योरली सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना ही है. इज इट क्लियर? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेंगे रहेंगे, पर सॉल्ट जो है वो मेटल के साथ चेंज होता रहेगा. अब जो
इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। इसमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और ये हमको क्या देगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ओके, और यहाँ पर एसिड HCl है हमारे पास, बेस NaOH है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और साथ में H2O वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, एक और आप चीज़ याद रख सकते हो कि विथ मेटल ऑक्साइड सीधी बात है, देखना जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, एक चीज और आप याद रख सकते हो, जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली दे आर बेसिक ऑक्साइड, तो जब भी कोई पर्टिकुलर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साथ में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसका एग्जांपल आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इज इट क्लियर? ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ एसिड्स। फर्स्ट यूज विनेगर, इट इज़ अ 5-8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। ओके, हमारे घर में अगर पिकल को प्रिजर्व करना हो, ओके, या फिर मान लो किसी भी ऐसी चीज़ को जो जल्दी ख़राब हो जाती हो उसे हमें प्रिजर्व करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एसिटिक एसिड। ओके, सेकेंड कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। थर्ड वन, लेमन कंटेंस साइट्रिक एसिड प्रिवेंट्स इंडाइजेशन। ओके, लेमन जो साइट्रिक एसिड कंटेन करता है वो क्या काम करेगा, इंडाइजेशन को रोकेगा। ओके, कई बार हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा या ओवर ईटिंग हो जाती है तो वी आर सफर्ड फ्रॉम इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन को रोकने के लिए साइट्रिक एसिड जो रहता है वो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है, जो कि लेमन में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड फोर्थ वन, ऑरेंज एंड आमला कंटेंस एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विटामिन सी, प्रिवेंट्स स्कर्वी। ओके, स्कर्वी को रोकने के लिए हम जो हमारे मसूड़ों से रिलेटेड है, ठीक, इसके लिए हम ऑरेंज और आमला खाते हैं। ओके, वाई, बिकॉज इट हैविंग एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसको विटामिन सी भी कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन, टार्टरिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज द बिटरनेस ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा के अंदर हम टार्टरिक एसिड यूज़ करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो रहता है वो कैसा होता है, बिटर होता है टेस्ट में, तो उसकी बिटरनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड भी यूज़ करते हैं। ओके, एंड सिक्स्थ वन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग ग्लास एपरेटस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर जो ग्लास एपरेटस रहते हैं उनको अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है हमारे स्टोमक में। डाइजेशन प्रोसेस जब होती है तब HCl सीक्रेट होता है, तो उस HCl के कारण ही हमारी स्टोमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम जैसे पेप्सिन, इसे ट्रिप्सिन, लाइपेस वगैरह, ये सब पेप्सिन जो रहता है वो अटैक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो रहता है वो है H2SO4 इज यूज इन डिहाइड्रेशन प्रोसेस। H2SO4 जो रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, वो बहुत सारी प्रोसेस में एज ए डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क करता है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर को पूरी तरह से हटाना या रिमूव करना। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस है जो आप लोग पता कर सकते हो, जो आप लोग देख सकते हो, जो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसके साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है साइंस विथ हेमंत राठौर और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आप बिल्कुल डाउट में या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और आई एम श्योर आई विल प्रोवाइड यू अ बेस्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, तो आज तक के लिए यहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिस के बारे में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।